टीम इंडिया के खिलाड़ी केएल राहुल को लेकर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आलोचनाओं का जो दौर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। जैसा कि सौरभ गांगुली, उनसे पहले गौतम गंभीर, जैसे उन्होंने तो फिर भी केएल राहुल को सपोर्ट किया, उनका मनोबल गिरने से बचाया। लेकिन और लेकिन जो मेन बात है कि कुछ क्रिकेट के जो दिग्गज हैं, जो पूर्व दिग्गज हैं, वो उनकी आलोचना कर रहे हैं, उनको मतलब उनको लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन अब इस बीच जिसे लेकर जो फैंस के मन में जो मेन क्यूरियोसिटी बनी हुई थी कि कप्तान रोहित शर्मा केएल राहुल को लेकर क्या बोलेंगे, अब उसे लेकर हम आपके बारे में आपके साथ जुड़ने के लिए आ चुके हैं, आपको बताने के लिए आ चुके हैं कि आखिर टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने केएल राहुल को लेकर क्या कहा है। दरअसल जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल यानी 1 फरवरी से टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और इंदौर टेस्ट मैच खेलने के लिए होलकर स्टेडियम में आमने सामने होगी, जिससे पहले रोहित शर्मा ने पत्रकारों के साथ बातचीत की, जिसमें तमाम सवाल जवाब किए गए, जिसमें उनसे कुछ सवाल किए गए जिसे लेकर कुछ जवाब केएल राहुल को लेकर भी हमारे पास आज आ चुके हैं, जिसे लेकर आज हम आपके साथ उन्हें बताने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि टॉप ऑर्डर को लेकर पत्रकारों के साथ बातचीत में क्या बोले कप्तान। पिछले 2 टेस्ट मैचों में टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर खिलाड़ियों के फेल होने पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि रोहित शर्मा ने कहा कि हाँ, शीर्ष क्रम में ज्यादा रन नहीं, लेकिन वह गुणवत्ता लाते हैं, वह फॉर्म में वापस आने से बस 1-2 ही पारी दूर हैं। टॉप ऑर्डर को लेकर जो रोहित शर्मा का बयान है कि भाई गुणवत्ता मिलती है भले ही रन नहीं मिलते, और वो अपनी फॉर्म से केवल 1 या 2 पारी ही दूर हैं, मतलब केएल राहुल से ऐसा हो सकता है कि रोहित शर्मा को अभी भी कुछ उम्मीदें बाकी हूँ। देखिए जैसा कि केएल राहुल लगातार इस BGT में वो नहीं चल पाए, उनके बल्ले से कुछ खास दमखम नहीं देखने को मिला, लेकिन फिर भी हम अब देखने वाली बात होगी कि केएल राहुल को मौका दिया जाएगा या नहीं। लेकिन रोहित शर्मा के जो बयान से फिलहाल यही कहा जा सकता है कि शायद तीसरे यानी इंदौर टेस्ट में इन्हें खेलने का मौका दिया जा सकता है। लेकिन उससे पहले यह बात मेरे साथ जान लीजिए कि केएल राहुल और शुभमन गिल को लेकर रोहित शर्मा ने क्या बयान दिया। केएल राहुल के उपकप्तानी से हटाए जाने और उनकी खराब फॉर्म के चलते शुभमन गिल को टीम में लाने की चर्चा पर रोहित शर्मा ने कहा, उपकप्तान होना या उपकप्तान नहीं होना आपको कुछ भी बताता नहीं है, सभी 17 से 18 गिनती में है, यह सिर्फ गिल या किसी और की बात नहीं है। तो रोहित शर्मा के बयानों को लेकर आपको क्या लगता है कि क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं, केएल राहुल को लेकर कुछ खास मानसिकता क्या रखते हैं हमारे टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ क्रिकेट जगत के लेटेस्ट अपडेट हमारे साथ रोजाना पाने के लिए, रोजाना अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।